हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी काफी अच्छे होंगे। तो आज आपको टाइटल देखे तो वीडियो को पता ही लग गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो आज मैं दोबारा मैं अपने बालों को कलर करने वाली हूँ। और इस बार का जो कलर होने वाला है ना, वो थोड़ा सा अलग ही होने वाला है, क्योंकि पहले जो मैंने किया था वो भी अलग ही था, और इस बार का जो कर रही हूँ वो भी थोड़ा अलग सा ही है। तो देखो, आज हम यूज कर रहे हैं, मतलब मैं यूज कर रही हूँ जो कलर, और ये काफी ना, मतलब मैंने रिव्यूज देखे थे इसके, उसके बाद जाके मैंने ये वाला कलर डिसाइड किया था कि मुझे यही वाला कलर करना है। तो ये वाला कलर है गार्नियर कलर नेचुरल अल्ट्रा कलर, और जो इसका जैसे एक ना कोड है इसका, जो भी है 6.26 है इसका, और ये प्लम रेड का, ये देखो मतलब काफी अच्छा है। और इसको ना बिल्कुल साइड में सब कुछ लगाया हुआ है। अगर इसकी एमआरपी की बात करूँ, इस पर एमआरपी लिखा हुआ है 250 रुपीज। और यहाँ पर ना इन्होंने तीन शेड दे रखे, आपको दिख रहा होगा कि अगर आपके हेयर ब्राउन है तो बिल्कुल पर्पल सा आएगा, और अगर डार्क ब्राउन है थोड़ा रेड सा आएगा, और बिल्कुल ब्लैक है ना तो बिल्कुल हल्का सा, जैसे लाइट होता है ना, लाइट ब्राउन टाइप में या लाइट रेड का आप कह सकते हो, तो वो वाला आएगा। तो ये वाला कलर, चलो अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। तो मैंने इसको अनपैक कर लिया था पहले, तो ये देखो इसमें ना तीन, जैसे ना आपको ये तीन चीज मिल जाएगी। सबसे पहले इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इसको हम रखते हैं साइड में। हाँ, जो हमारी मेन चीज है वो है ये। सबसे पहले यहाँ पर देखो, गार्नियर कलर नेचुरल अल्ट्रा कलर, ये स्टेप टू है, और ये है स्टेप वन। ये ना पूरी ट्यूब टाइप में है, देख रहे हो, पूरी ट्यूब है ये, बिल्कुल सील पैक है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो पूरी सील पैक है, मतलब पूरा पैक्ड है, इसको अभी हमें खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा भी है बड़ा बड़ा, स्टेप वन और ये है स्टेप टू। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले थोड़ी बहुत सेफ्टी रखनी है। इसमें ग्लव्स नहीं निकले, ग्लव्स भी होंगे। हाँ, ये देखो, ये ना शायद ग्लव्स ही है। तो मैं वही सोच रही, मैंने कहा मैंने जो वीडियोस देखी थी उसमें ग्लव्स तो थे। तो देखो, जो वाली ये छोटी सी पैकेट निकला था, इसको मैंने खोला, तो देखो इसमें क्या है। ये देखो, ये छुपा के रख रखा है, ऐसे पता नहीं क्यों ही छुपा के रख रखा है। ये है ग्लव्स, पन्नी वाले जो ग्लव्स होते हैं। यहाँ पर ना ये हमें शैम्पू मिला है, गार्नियर कलर नेचुरल क्रीम रिच पोस्ट कलर केयर कंडीशनर, कंडीशनर शैम्पू नहीं है, कंडीशनर है। और यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा लिखा है स्टेप थर्ड, ये है स्टेप थर्ड। तो मतलब ये हमें लास्ट में करना है, जब हमारा कलर वाला बिल्कुल ड्राई आउट हो जाएगा तो उसके बाद हमें ये करना है, मतलब लास्ट में वॉश करने के लिए। तो चलो मैं आपको ग्लव्स वगैरह दिखाती हूँ। तो ये है ग्लव्स, पन्नी वाले ग्लव्स है, जो कि ओनली वन यूज के लिए होते हैं, वैसे हम वॉश करके हम इसे दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमें अपने टी शर्ट मिशन को आप चेंज कर लेना। चलो जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे अभी बाल कैसे हैं और उसके बाद कैसे होने वाले हैं। तो ये देखो, अभी जो मेरे हेयर है वो ऐसे नीचे से ब्राउन ब्राउन है, थोड़ा ही ब्राउन है, ज्यादा ब्राउन नहीं है। और ऊपर ऊपर भी कुछ नहीं, बस आगे जो थोड़े बहुत बाल है ना, ये थोड़े से ब्राउन है, और इस साइड का भी यही हाल है। ठीक है, तो पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, जिससे आपको पता लगे कि कैसे। ही देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है, बॉल ले लेना है आपको, कटोरी वटोरी कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का ले लिया जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले तो ये हमारे हमारे पास दो चीज। तो यार गीला हो रहा है, पहले इसे सुखा लूंगा कटोरी का, ये कटोरी गीली हो गई तो मैंने इसे सुखा कर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पर ना मैंने ग्लव्स भी पहन लिए और टी शर्ट चेंज कर ली, क्योंकि ना वो टॉप था तो खराब खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। और यार इसकी क्वांटिटी ना काफी सही मिली, आप देख रहा हो, दिख रहा होगा आपको। ये देखो, अभी ना मैंने इसे मिक्स नहीं करा, तो मैं अपनी फिंगर से ना ग्लव्स पहन ली, मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो चलो करते हैं। तो ये देखो, मतलब ये इतना सेटिस्फाइंग लग रहा है, बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी ना बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे ना इसे दूसरे वाले, मतलब थोड़ी सी बड़ी बॉल में डाल लेना चाहिए था। और ये बिल्कुल क्रीमी बन चुका है अभी, और ना इसमें आपको रेड रेड कलर भी दिखने लगा है अभी। देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, दिख रहा होगा आपको। तो ना मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपको मैं मिलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने पूरे अच्छे तरीके से ना मिला लिया, और ये पूरा ना क्रीम पिंक कलर का हो गया, रेड कलर का नहीं हुआ, जैसे पिंक कलर की आइसक्रीम वाली क्रीम नहीं होती है, पूरा हो चुका है ये देखो। तो चलो अभी इसे जल्दी से लगाना स्टार्ट करते हैं। लगा लिया, और यार सच्ची में इसको ना अपनी आईज वगैरह से काफी दूर रखना, धनिया जरूर बरतना, इसकी ना स्मेल भी काफी ज्यादा चढ़ रही है, सच में चढ़ रही है।
तो ये देखो पार्लर वगैरह में जब हम कराते हैं तो इतना पता नहीं लगता सच में, क्योंकि वहां पर सबके ही ऐसा होता रहता है, बट घर में ना बिल्कुल एकदम से पता लगा। तो देखो पूरा ना क्रीम बन चुका पिंक कलर का, और सोचो ये गिर जाएगा भी तो सच्चा ना सजाएगा। तो चलो मैं धीरे धीरे से ना ग्लव्स पूरा अच्छी तरीके से मैंने पहन लिया, और एक ग्लव्स ऐसा लग रहा है किसी राक्षस के हाथ का दिया, ये देखना हल लग रहा है हमारे हाथ का। चलो कोई बात नहीं, हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ना मिडल पार्टीशन कर लिया बिल्कुल, और पीछे से देखो, और ना मतलब बाल को सुलझा लेना पहले, अब मैंने नहीं सुलझाया लेकिन आप सुलझा लेना ठीक है। तो यहाँ पर से हम ऐसे करके स्टार्ट करते लगाना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के आते से। ये देखो वीडियो चालू है, स्टार्टिंग से एकदम से नहीं लगाएगी, यहाँ से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और थोड़ा जड़ से ना दूर ही रखना है। तो ज्यादा सोचने का समय नहीं देना, बस थोपते रहो जितना है लगाते रहो। और ये ना काफी ठंडा ठंडा लग रहा है, जब ये स्कैल्प ऊपर लग रहा है ना तो काफी ठंडा ठंडा भी लग रहा है। तो मैं जितना भी हो पाएगा मैं खुद लगा लूंगी, और फिर मैं जो है ना वो मैं अपनी सिस्टर से लगवा लूंगी ठीक है। फिर मैं आपको फाइनल में दिखाऊंगी, पहले मैं थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ खुद ही। तो ये देखो अब मैंने ना थोड़ा थोड़ा मैं आगे आगे अपनी सिस्टर से लगवाती हूँ, फिर ना पीछे वाला जो मैं लगाऊंगी ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पर ना मेरी सिस्टर ने मतलब थोड़ा बहुत आगे का ना मतलब कवर कर दिया ऑलमोस्ट, अब जो बचा है वो सिर्फ लेंथ का बचा, आप देख सकते हो है ना। तो ये देखो यहाँ ना आप पास से देखो दिख रहा होगा आपको, तो मैंने देखो सारा का सारा मतलब कलर लगा लिया, और पीछे से देखो आप दिख रहा होगा आपको, अभी मैंने इसका जूड़ा बांधने वाली, पहले आप देख लो पास से देखो, देखो और आगे से देखो, मतलब ना पूरा पिंक कलर लग रहा है मुझे भी। वैसे ये प्लम रेड है बट ये अभी लग पूरा पिंक रहा है, और ग्लव्स भी ना मेरे पिंक हो गए। तो देखते हैं पिंक कलर आएगा रेड कलर आएगा कुछ नहीं पता, वो तो हमें रिजल्ट के जब धोएंगे तभी पता लगेगा ठीक है। तो देखो मैंने पूरा लगा लिया, मैं जूड़ा वूड़ा बांध के और फिर आपसे मिलती हूँ ठीक है। अब पर मैंने ना पूरा लगा लिया, और बाल में जूड़ा भी बांध दिया, और जूड़ा ना मैंने काफी हल्का सा बांधा, क्लचर लगा लिया पीछे मैंने, और आगे से आप देख सकते हो। और जो इसमें लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है कि आपको 30 मिनट तक रखना है, लेकिन 30 मिनट से मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कलर किया हुआ है, तो उसको भी मैंने कम से कम 1 घंटा तो रखा ही रखा है। तो आप लोग भी 1 घंटा रख सकते हो, और जितना मैं रखूंगी ना वो मैं आपको अभी बता दूंगी लास्ट में कि मैंने कब वॉश करने में जाऊंगी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से लगा लिया ठीक है, और मैंने ग्लव्स वगैरह उतार के फेंक दिए, और हैंड वॉश भी अच्छे से कर लिया बिल्कुल, क्योंकि ना इसकी स्मेल वगैरह काफी तेज है। वैसे तो कोई भी केमिकल वगैरह होता है तो उसकी स्मेल तेज ही होती है, तो इसलिए आप इसका काफी ध्यान रखना अच्छे से। तो रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट कैसा है, अगर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं मैं कैसी लगने वाली हूँ, अच्छी लगूंगी नहीं लगूंगी। तो चलो फिर देखते हैं, मिलते हैं 2 घंटे बाद, मैं आपको रिजल्ट जब तक दिखाती हूँ। और जब तक के लिए वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलो रिजल्ट का वेट करते हैं जब तक के लिए। तो फ्रेंड्स अब हो चुके हैं, मैंने कम से कम 1 घंटा रखा है इसे, और 1 घंटा पूरा मतलब कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ना मतलब ये ड्राई तो हो गया बट बहुत कम ड्राई हुआ है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं हुआ अभी तक, जैसे मैं टच कर रही हूँ ना तो ये अंदर से ना ये देखो मतलब ना गीला है ये अभी भी, बट कोई बात नहीं, उसमें 30 मिनट्स लिखा था बट मैंने 1 घंटा इसे रख लिया। तो चलो अब जल्दी से मैं इसे वॉश कर कर आती हूँ, और ना कोई शैम्पू वगैरह से हमें किसी से भी वॉश नहीं करना, सिंपल नॉर्मल पानी से हमें इसे वॉश कर लेना, और जो कंडीशनर दिया हुआ है ना उस कंडीशनर को सिंपल हमें लगा लेना है अपने बालों में ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से वॉश करके आपको मिलती हूँ। सो फाइनली मैं वॉश कर कर आ गई, और मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अभी रात हो रही है, और मैंने रात में कलर किया था, ये देखो कलर देखो आप, अभी नहीं ये बिल्कुल वेट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं, बट स्टिल कलर आपको दिख रहा होगा, ये देखो काफ़ी सही कलर आया है, और मैंने इसको सिर्फ कंडीशनर से ही धोया अभी। तो ये था फाइनल रिजल्ट, और रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मेरे ब्लैक हेयर थे बट ना जहाँ पर आपके ब्लीच करे हुए हेयर होंगे ना पहले से, वहाँ पर इसका कलर बहुत अमेजिंग आएगा। तो ये कलर मुझे वर्थ इट लगा, बहुत बढ़िया है मतलब, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप वॉश करोगे ना तो शैम्पू से बिल्कुल भी वॉश मत करना, सिर्फ कंडीशनर का यूज़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।